वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 9th इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का 12 दिसंबर 2023 का पेपर दिखा रहे हैं। 100% रियल, 70 में 70 नंबर लाने हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना एग्जाम बाद आपको पछताना पड़ेगा। और आपको बता दें कि एग्जाम खत्म होने के बाद आप खुद आओगे और कमेंट करोगे कि सर आपने जो बताया क्वेश्चन वो एज इट इज़ हमारे पेपर में आए थे, जैसा आपने बताया वैसा का वैसा पेपर हमारे को देखने को मिला। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको करके जाना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है इस पेपर का। ये पूरा पेपर कर लिया तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, कम से कम आप देख लो 75% आपके डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, जैसा इसमें पेपर में लिखा हो वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और 25% भी आपको लगभग मिलते जुलते प्रश्न मिलेंगे सभी जिलों के अंदर। तो इसलिए इसको अच्छे से करके जाना है तो आपका पूरा काम हो जाएगा और आपको ये सारे प्रश्न उत्तर याद भी हो जाएंगे। बस इस वीडियो को 2 से 3 बार आपको देख लेना है और ये सारे प्रश्न उत्तर आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको हिंदी में भी समझाया है। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ, बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना एग्जाम बाद पछताओगे। तो सीधा पेपर देखते हैं हम, तो ये आपका 9th का पेपर है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर आपके पैसेज ऐसे जाएंगे, तो ये हम बाद में इसका सॉल्यूशन बता देंगे आपको पैसेज इनका, पहले हम मेन क्वेश्चन आंसर्स ये देख लेते हैं। सेक्शन बी के अंदर आपके लेटर्स और ये सब आने वाले हैं, तो हम पहले ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन सी में आपकी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पहले हम उसी का सॉल्यूशन देख लेते हैं, जल्दी से इनका सॉल्यूशन बता देते हैं। और अगर आपको इन सबको समझना भी है तो आप कमेंट कर देना, तो हम ग्रामर पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे जिसमें आपको ग्रामर के सारे रूल बता देंगे। बाकी ये जो प्रश्न है इनको याद कर लेना, समझ लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा अपने, ठीक है। तो देखें आप, इंडिया ब्लैंक फ्रीडम इन 1947 हज़ार बार पूछ लिया गया है। गोट आएगा, गेट्स आएगा, हैज़ गोटन आएगा, गेटिंग आएगा, कमेंट करके बताएं। वीडियो देख के स्टॉप करें और फिर कमेंट करें और फिर वीडियो को स्टार्ट करें वापस, तो आपको दिख जाएगा। तो देखें सॉल्यूशन गोट इसमें राइट उत्तर हो जाएगा, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे उत्तर बताने से पहले अपने दिमाग में उत्तर सोच लें और उसको कमेंट भी कर दें, जिससे आपको पता चलेगा आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं। राघव ब्लैंक न्यूज़पेपर्स डेली, ठीक है। रीडिंग आएगा, रीड आएगा, नोन आएगा, रीड्स आएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, रीड्स आ जाएगा। राघव रीड्स न्यूज़पेपर डेली। नेक्स्ट देखें आप, आई हैव ऑलरेडी ब्लैंक बोथ, टुक आएगा, टेक आएगा, टेकन आएगा या फिर टैक्स आएगा, तो आप सब कमेंट कर सकते हैं। तो टेकन इसमें राइट हो जाएगा, आई हैव ऑलरेडी टेकन बोथ, ठीक है, क्योंकि पहले ही ले चुका है तो टेकन आ जाएगा। आगे देखें आप, चूज़ द करेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सही वर्ब का चुनना है। माई फादर ब्लैंक नो या फिर नोज एज मच एज माई टीचर, ठीक है, मेरे पिता मुझे जानते हैं जितने मेरे टीचर जानते हैं, ठीक है ना। तो नो आएगा या नोज आएगा, तो इसमें आ जाएगा नोज, ठीक है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ठीक है। ब्रेड एंड बटर ब्लैंक हिज ब्रेकफास्ट, इज आएगा या आर आएगा, यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, ब्रेड और बटर देखते हैं एंड एंड देखते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि आर लगा दो प्यूरल हो गया, पर ये गलत है क्योंकि ब्रेड एंड बटर को एक ही में काउंट किया जाता है तो सिंगुलर हो जाता है, तो इज आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखें, ये हमने समझा दिया, बाकी आपको हर सारे प्रश्न नहीं समझाएंगे वरना बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ग्रामर पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। इट इज़ आई हु ब्लैंक इज एम टू ब्लेम, क्या आ जाएगा, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, एम आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखें आप, आठवां आपको दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटर्मिनल्स, डिटर्मिनल्स का प्रयोग करके आपको उत्तर बताना है। ही ड्रॉप्ड ब्लैंक पेबल्स इन टू द पिक्चर, तो लिटिल या सम, यहाँ पे आ जाएगा आपके सम। ही ड्रॉप्ड सम पीपल्स इन टू द पिक्चर। मैथमेटिक्स इज ब्लैंक डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ए इन द आर्टिकल से लिया गया है, तो क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट, अ आएगा। शी इज ब्लैंक एंग्री, तो क्या आएगा, फ्यू आएगा या फिर लिटिल आएगा, तो लिटिल एंग्री, ठीक है। शी इज लिटिल एंग्री क्योंकि नॉन काउंटेबल नाउन है और फ्यू एक काउंटेबल नाउन है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखें आप, काउंटेबल नाउन काउंटेबल ये सब आपको समझा देंगे हम, अगर आप सब कहेंगे तो इजी लैंग्वेज में आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा एक ही वीडियो में। आशा लीव्स ब्लैंक कोटा, इन आएगा या एट आएगा, आप सबको पता है कोटा इन आ जाएगा, ठीक है, कोटा में रहती थी। द कैट इज ब्लैंक द टेबल, ओवर द टेबल या अंडर द टेबल, तो आप सबको पता है अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। माई मदर कट्स द वेजिटेबल ब्लैंक अ नाइफ, नाइफ के द्वारा काटती थी या नाइफ के साथ काटती थी, तो नाइफ के साथ, विथ नाइफ आ जाएगा, विथ आएगा यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन डी में भी आपके पैसेज आएंगे दो, एक पैसेज आएगा, सॉरी, सेक्शन डी में आपके एक पैसेज आएगा जो आपके टेक्स्ट बुक्स का पैसेज होगा, फिर आपके प्रश्न उत्तर आएंगे पाठ्यपुस्तक के। तो अब सीधा पहले प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे। तो देखें आप, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉर,
ठीक है, डेथ डोर को आइंस्टीन क्या कहकर बुलाता था, ठीक है ना, क्या कहता था। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से ये पार्ट से लिया गया क्वेश्चन है, और ये आपके दो दो नंबर का है, इनमें से दो क्वेश्चन करने पर आपको चारों याद करके जाना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। सारे प्रश्न करना है, उसके बाद आप एग्ज़ाम बाद वापस आना और कमेंट करना कि सर आपने जो बताया वो क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिले थे सारे। तो व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉर को क्या कहता था आइंस्टीन, तो ये वाला का उत्तर देखते हैं हम। तो इसका सॉल्यूशन देखें आप, आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो, ठीक है, यानी ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, यानी आइंस्टीन जो था वो पेटेंट कार्यालय में अपनी डेस्क की दरार को क्या कहता था, सिद्धांतिक भौतिकी ब्यूरो, क्या कहता था, सिद्धांतिक भौतिकी ब्यूरो। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस, अब्दुल कलाम का घर कहाँ पर था, माई चाइल्डहुड पार्ट से लिया गया क्वेश्चन है। तो अब्दुल कलाम का घर कहाँ था, तो देखें आप, तो ये आपके उत्तर हो जाएगा, और ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है तो गलत मत करना उत्तर इसका। अब्दुल कलाम्स हाउस वाज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्ट वाइल मद्रास स्टेट, ठीक है, ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट। तो अब्दुल कलाम का घर कहाँ पे था, तो मस्जिद की जो सड़क थी, ठीक है, जो उसके पास में था, ठीक है ना, मस्जिद स्ट्रीट जो थी, मस्जिद के उधर जो आपकी स्ट्रीट थी और रामेश्वरम में, उधर उसका मद्रास में घर था, ठीक है ना। तो ये आपके उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, वाई वाज काजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, द लिटिल गर्ल से क्वेश्चन लिया है कि काजिया जो थी वो अपने पिता से क्यों डरती थी, ठीक है। तो देखें इसका सॉल्यूशन, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, काजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ऑफ हिज हार्श बिहेवियर, जो उसका कठोर व्यवहार था उसके पिता का, उस वजह से वो डरती थी। ही वाज एग्रेसिव एंड ही हैड अ हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक्स, वो क्या था, एग्रेसिव था, यानी वो आक्रामक था, ठीक है, खतरनाक। ही हैड अ हैबिट, उसको एक आदत थी उसकी गलतियाँ निकालने की, काजिया जो उसकी बेटी थी उसकी गलतियाँ निकालने की उसकी आदत थी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, द फन दे हैड पार्ट से लिया गया है। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी ने कौन से सब्जेक्ट याद किए थे और टॉमी ने कौन से सब्जेक्ट याद किए थे, ये प्रश्न है आपका। तो देखें इसका सॉल्यूशन, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, मार्गी लर्न्ड ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स, उसने भूगोल और गणित सीखा था मार्गी ने। टॉमी जो था उसने हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सीखी थी, इतिहास और गणित सीखा था। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आंसर एनी टू ऑफ द क्वेश्चंस, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट्स रेन्स, रेन ऑन द रोड पार्ट से लिया गया, ठीक है, रूट पार्ट से लिया गया है कि व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट्स रेन, जब बारिश होती थी तो पोइट क्या करना चाहता था, कवि क्या करना चाहता था। तो देखें आप, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन इट रेन्स द पोइट लाइक्स टू लाई विथ हिज हेड प्रेस्ड अगेंस्ट द पिलो ऑफ हिज कॉटेज चैम्बर बेड एंड लिसन टू द साउंड ऑफ द सॉफ्ट रेन, यानी जब बारिश होती थी तो कभी अपनी झोपड़ी के जो कक्ष था, ठीक है, उसके बिस्तर के तकिए पर सिर रखकर लेटना चाहता था, है ना, और वो क्या चाहता था कि वो धीमी बारिश की जो आवाज़ है उसको सुनना भी उसको पसंद था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, रोड नॉट टेकन पार्ट से लिया गया है। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया, ट्रेवलर्स ने, ठीक है, यात्रियों ने अपने आप को कहाँ पर पाया, तो ये आपको बताना है। तो देखें इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर हो जाएगा आपके, द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ इन द येल्लो वुड्स एट अ पॉइंट वेयर द रोड डिवाइड्स इंटू टू पार्ट्स, यात्री खुद को पीले जंगल में एक ऐसे बिंदु पर पाता है, येलो वुड्स में, ठीक है, एक ऐसे बिंदु पर पाता है जहाँ पर सड़क दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इन इनिस फ्री, ठीक है, जो इनिस फिस्त्री थी वो कैसी जगह है, ठीक है ना, तो वो आपको बताना है, द लेक इजरल ऑफ इनिस फ्री,
तो ये देखें इसका सॉल्यूशन, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इन इस फिस्ट्री एक सरल, ठीक है, सिंपल यानी सरल नेचुरल प्लेस, प्राकृतिक जगह है, फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस, जहाँ पे सुंदरता और शांति से भरपूर है वो, ठीक है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, द लॉस्ट चाइल्ड। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सारे के सारे आपके एग्जाम के अंदर रिपीट हो सकते हैं। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, वो जब फेयर के अंदर मेले में घूम रहे थे तो उसने क्या चीज़ें देखी। व्हाट आर द थिंग्स चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, द लॉस्ट चाइल्ड पार्ट का एक क्वेश्चन है। तो देखें इसका सोल्यूशन, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा इसके अंदर, द चाइल्ड सीज टॉयज, ठीक है, वो क्या देखता है, खिलौने देखते हैं बच्चे, फ्लावरिंग मुस्तर्द फील्ड, ठीक है, जो फूलते रस्तों के खेत है वो देखता है, ड्रैगन फ्लाइज देखता है यानी ड्रैगन जो होती है वो उड़ती हुई वो देखता है, बटरफ्लाइज देखता है, तितलियां देखता है, डोव्स देखता है, ठीक है, कबूतर, और हग क्राउड ऑफ पीपल एंटरिंग द फेयर, जो फेयर के अंदर मेले में जो लोग आ रहे हैं उनकी भारी भीड़ देखता है, स्वीट देखता है, स्वीट शॉप्स देखता है, मिठाई की दुकानें देखता है, ठीक है, गार्लैंड्स ऑफ गुल मोहर देखता है, ठीक है, गुल मोहर की मालाएं देखता है, रेनबो कलर बलून्स देखता है, इंद्रधनुष रंग वाले गुब्बारे देखता है, स्नेक चार्मर देखता है यानी जो सपेरा होता है वो देखता है, और अराउंड राउंड राउंड अबाउट स्विंग देखता है यानी एक गोल चक्कर वाला झूला देखता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे देखते हैं, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ऑन वाट वे इट्स ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्रा, ठीक है, महेंद्र ईश्वरन द स्टोरी टेलर से लिया गया है, ऑन वाट वे इट्स ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्रा, ठीक है, ईश्वरन क्यों एक एसेट है, ठीक है, जो संपत्ति है महेंद्र की। तो देखें आप इसका सॉल्यूशन, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ईश्वरन इज एन एसेट टू महेंद्र बिकॉज ही फॉलोज हीम व्हेनेवर ही इज पोस्टेड, यानी ईश्वरन महेंद्र के लिए एक संपत्ति है क्योंकि कहीं भी, क्योंकि वह जहाँ भी तैनात होता है उसका पीछा करता है वो, ठीक है, ईश्वरन ईश्वरन कुक्स फॉर महेंद्रा, ठीक है, वॉशिज हिज क्लोथ्स, वो उसके लिए खाना बनाता है ईश्वरन महेंद्रा के लिए, क्योंकि उसके कपड़े भी धोता है, और एंड चैट्स अवे विथ हिज मास्टर अबाउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनसेंडोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी अपने मालिक के साथ विभिन्न विषयों पर अंतहीन कहानियाँ और उपन्यास के बारे में बातें करता है, ईश्वरन इज एन अ फैंटास्टिक चीफ हु हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इनग्रेडियंट्स आउट ऑफ नाउ वेयर इन द मिडल ऑफ डिजोलेट लैंडस्केप, ठीक है, यानी ईश्वरन एक शानदार शेफ है जो उड़ान परिदृश्यों के बीच से सब्जियां और खाना पकाने की सामग्री तैयार करने की क्षमता रखता है। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, इसलिए वो उसके महेंद्र के लिए ईश्वरन एक एसेट है, ठीक है ना, यानी संपत्ति है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपको दिया है, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स पार्ट से लिया गया है, हु इज द रियल कल्प्रिट, यानी जो अपराधी है, ठीक है, कौन है असली अपराधी राजा के अनुसार। तो ये प्रश्न पूछ रहा है, तो आप सबको पता है असली अपराधी कौन है राजा के अनुसार, तो व्यापारी का मृत पिता, ठीक है, मरा हुआ पिता। तो रियल कल्प्रिट वाज द मर्चेंट्स डेड फादर, तो मैं यहाँ पे उत्तर लिख रहा हूँ, तो आप ये लिख सकते हैं मर्चेंट, ठीक है, मर्चेंट्स डेड डेड मरा हुआ पिता फादर, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस, द हैप्पी प्रिंस से लिया गया पार्ट का क्वेश्चन है ये। तो देखें आप, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, द हैप्पी प्रिंस गिव अ रूबी टू द सिमस्टर्स, ठीक है, दर्जनों को उन्होंने रूबी दिया, क्योंकि
क्योंकि बिकॉज शी वॉज पुअर एंड हर सन हैड अ फीवर, उसके बेटे को बुखार भी था और वो गरीब थी इसलिए दिया। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है स्टेंजा विथ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं, बहुत ईजी होते हैं, इसमें ईजीली आप 4 नंबर ले सकते हैं। और आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि राजस्थान में हर ज़िले में अलग अलग समय पे अलग अलग पेपर होता है, ठीक है ना। यानी थोड़ा बहुत पेपर में चेंज होता है, पर बहुत से क्वेश्चन सभी ज़िलों में सेम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ क्वेश्चन होते ही नहीं है टीचर्स के पास बनाने के लिए। तो वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो बार बार होते हैं, जो इस पेपर में भी आए हैं। तो ऐसे ही आपके और भी पेपर आपको मिल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। उसके लिए क्या करना है आपको, 6350459459046, ठीक है। ये एक व्हाट्सएप नंबर है, इसको आपको सेव करना है। और आपको इस पर क्या करना है, अपने ज़िले में जो आपका पेपर हो चुका है, अपने ज़िले का नाम लिख के, अपनी क्लास का नाम लिख के और सब्जेक्ट का नाम लिख के आप वो पेपर सेंड कर सकते हैं, जिससे दूसरे ज़िले में अगर वो पेपर नहीं हुआ है तो वो उन बच्चों को फ़ायदा मिल जाएगा उससे। और अगर आपके ज़िले में जो पेपर अभी नहीं हुआ है और वो किसी और ज़िले में हो गया है तो वो आपको मिल जाएगा, इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे सबका फ़ायदा हो सकता है अगर आप इस नंबर पर अपने ज़िले का जो पेपर हो चुका है वो आप भेज दें, ठीक है। तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन रहेगी, तो ये आप कर सकते हैं। और बाकी के प्रश्न उत्तर का सोल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, अगर आप सब कमेंट करेंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।